बेरा नहीं कड़ा था पाला एडड खवाब है न्यू बिली चांद वा प्लाट ले ले और सब्जी वाला धनिया फरी मिले वे गाना भी नीरे जूत बजाने का है। कल सवेरे सवेरे पड़ोसियां का पंचायत तुरी मैं बोलिया क्यों हो गया न्यू बोलिया पोता का जन्मदिन था डीजे लिया रखी थी और बहु मेरा गाने टोसे दिखा दिखा न्यू का बोलिया नंगड़ा का ब्याह दी छोरा बोलिया चाकी के लिए मर जानी है तने पकोड़े थे बहु बोली किसका ब्याह के ठहरिया ये नंगड़े मोल के पकौड़े अंगल चटनी वंगूर त्री पे बेग लोग दे था सोगा मान रहा हूँ गोबर गोबर ना उठा पूरा दिन आंडे की आटे के छिड़ती है बकलोली ना कर बत्ती Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night. So what? क्या था बांगरू नंगड़ा का ब्याह दिया बेरा मेरे घर के कितने साहूकार हैं सारा बेरा इतने घर के कितने साहूकार हैं इबका गया था नहीं चार टिकट बाजरा के लाल मिर्चा ही चटनी का अरे वो बखोरा लास्ती का उसमें भी आता था फालतू तो पानी मिला रखा था अरे रोटी खान बैठा तो सारा का सारा टिब्बा प्लेट में आ गया चार दिन तो मेरी कब्जी कौन टूटी थी आए साहूकार बागड़ी इस लुगाई की निकाली समझ मेरी जितना इनका बिना खर्चा है इतना की एक दिन मैं दारू पी जा और फिर भी करा जाके न्यू कवे कल तो तंगो का घर के भी बहुओं को लाग लिए सवेरे टंट के पीछे बदल गया था बोले भाई तेरे 5000 रुपया बदल बहुत झूठे को निकरी दाम दी से बोल रहे हो भाई जी सर जी भाई यहाँ सड़क रोड तकिला रोड पे मैंने एक पर्स मिल लिया उसमें 15,000 रुपए थे एक आईफोन था और एक आईडी थी लड़की की निशा नाम से अरे सर आप तो बहुत ईमानदार हैं तो क्या आप उसको वो पर्स वापस लौटाना चाहते हैं ना भाई मैं चाहता हूँ निशा जी के लिए दर्द भरा ना हो जाए गूंजता हूं गोरे गोरे काले क्यों कर आए गांव ने सारे टब्बर का नाम लाखा काट रखा है लाखा 8 रुपया देन गए जब कौन दिखे थे इच्छा यही ना बुरे बुरे किराए पे लाएंगे मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए सारे गांव ने मेरा हो मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए ओ ओरा के सिरा पर नहीं खाले बा मैं तो तेरी डब्बन तो बतला लूंगा मार दा नीचे तो अमरीका तो मंगा ले शकल तेरी सी रहनी है सारे तेरे खातरे के ब्याह करवा दे तेरा रहने देना पापा इब्बा इतनी के जल्दी है ठीक है तो उन्हें फोन कर कन्नाट जाऊं है और अच्छा पापा शर्माऊ धमत है तू ब्याह कर ठोक के नहीं स्टाई सा चल बहन तो आजकल को बूंदा ही ना रह रहे गणा फर्क है मेरे भाई एक छोरा मेरे छोरी में छोरा पढ़ लिख के भी एक अनपढ़ ने ब्याह लिया होगा लेकिन छोरी जो थोड़ी पढ़ लिख जाए अनपढ़ ने ब्याहना तो दूर है वो आदमी ना आदमी कौन समझती।